तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों फाइनली भीमराव अम्बेडकर यानी कि आगरा यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी बीकॉम की टाइम टेबल स्कीम 2020 की डिक्लेयर कर दी गई, आ चुकी है। जैसे भी आई मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, ठीक है, इसलिए आ चुकी है। तो मैंने सोचा वीडियो बनाना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी दी है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं कैसे बताऊंगा आप लोगों को कि अभी कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, किस टाइम पे कौन सा एग्जाम है, पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो स्टूडेंट इस वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है सवाल पे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ ओपन होगा, ठीक है। ओपन होने के बाद आप लोगों को कहाँ पर क्लिक करना है, 7 नंबर आप दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डेट सीट फॉर रेगुलर प्राइवेट एंड, ठीक है, इसके लिए क्लिक करना है इस पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन करने के लिए बोलेगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की आगरा, ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं पढ़ूंगा तो आप लोग कहेंगे टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। मैं फाइनली आता हूँ टाइम टेबल पर, ठीक है। तो यानी कि जो आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम है बीए बीएससी बीकॉम के, वो कितने डेट से स्टार्ट है, 2 मार्च, ठीक है, 2020 से एग्जाम स्टार्ट है। टाइमिंग क्या है, जो फर्स्ट मीटिंग वाले हैं वो अपना देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर टाइमिंग भी दी गई है, फर्स्ट मीटिंग वाले का अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देख लीजिएगा, 7 बजे से 10 बजे तक है। और यानी कि सेकेंड मीटिंग है आप लोगों का 11 से 2, और थर्ड मीटिंग जो है वो 3 से 6 है। तो टाइम देख लीजिएगा, उसके बाद डेट आप लोग देख ही सकते हैं। 2 मार्च से स्टार्ट है। पहला पेपर जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों वालों का है। तो यानी कि आप थर्ड ईयर पहले दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में होगा थर्ड ईयर वालों का, और सेकेंड ईयर वालों का होगा फर्स्ट मीटिंग में, यानी कि मैं आप लोग फिर से बता दूँ, बीएससी जो फर्स्ट ईयर वालों का है उनका होगा सेकेंड मीटिंग, ठीक है, और जो बीएससी सेकेंड ईयर वालों हैं उनका होगा थर्ड मीटिंग। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनका 3 से 6 होगा, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका 11 से 2 होगा, और जो थर्ड ईयर वाले हैं उनका 7 से 10 होगा एग्ज़ाम, ठीक है। जिन स्टूडेंट का अपना अपना सब्जेक्ट है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जिनका सब्जेक्ट है, बहुत लोगों का टेक्नोलॉजी सीट टेक्नोलॉजी होगा, बहुत लोगों का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगा, बहुत लोगों का इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बीए वालों का भी दिया गया है, उसी दिन बीए वाले भी अपना देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले, ठीक है, जो भी है उनका होम साइंस जो भी, सब पूरा इसमें डिटेल दिया गया है, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यानी आप लोगों का एग्जाम 3 को ही है, यानी कि 3 मार्च 2020 को ही, तो आप देख लीजिएगा केमिस्ट्री सेकेंड यहाँ आने लगा थर्ड ईयर का, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड ईयर वाले भी अब फर्स्ट ईयर वाले देख लें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सेकेंड पेपर है, थर्ड सेकेंड ईयर वाले भी देख लें अपना। इसी तरह आप अपने सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उन्हें देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो रही होगी तो मैं सजेस्ट करूँगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर लीजिए पेन से, वहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करिए, जो भी आप लोगों का फर्स्ट ईयर के हैं थर्ड ईयर को वो सिलेक्ट करके उसके बाद टाइम लिख लीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा, ठीक है, किस डेट को इस टाइम पर है, जिससे आपको आसानी हो जाएंगी। क्योंकि इसमें बहुत झमेला का मतलब ये है कि बहुत सारे दिए गए हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। फिलहाल मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बीकॉम वाले भी स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं, बीकॉम वाले के बारे में भी दिया गया है, वो टेंशन मत लें कि हमारे बीकॉम का है तो बीकॉम का नहीं दिया गया है, ठीक है, बीकॉम वाले भी देख सकते हैं, देखो लिखा है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आई थी वेबसाइट पर, मैंने सोचा आपको नॉलेज देना, यानी कि ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपकी कोई क्वेश्चन, अगर आपकी क्वेरी है कोई, तो पूछ सकते हैं बेशक, ठीक है। और ये जो वेबसाइट यानी कि इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ऐसे ही डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगरा यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, उससे ज्वाइन हो जाइए, मैं उस पर ये पीडीएफ अभी भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।